इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने ढाका अनुमंडल अस्पताल स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जन औषधि केंद्र में दवा बहुत ही कम दर पर उपलब्ध होगी, आम जनमानस इससे लाभ लें। वहीं ढाका विधायक फैजल रहमान ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और इससे गरीबों को काफ़ी लाभ मिलेगा, अब काफ़ी सस्ते दर पर क्षेत्र के लोगों को दवा मिल पाएगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक, सिविल सर्जन, अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर, अनुमंडल पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। मंडल जो हमारा अस्पताल परिसर क्षेत्र है वहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि दुकान का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। देखिए, कोविड पैंडेमिक में सभी लोग अभी देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो है दिक्कतें आ रही हैं, और ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये एक ऐसी योजना है जिसमें कम दाम में आपको बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट सस्ते में मिलते हैं। तो आप यहाँ अंदर जाके देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं का सैनिटरी हाइजीन के लिए जो सैनिटरी पैड्स है, ₹4 में 4 पैड, मतलब ₹1 का 1 पैड यहाँ पे मिल रहा है, इतना सस्ता शायद ही कहीं मिलता होगा। सेकंड चीज़, छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर है, पोषण जन औषधि यहाँ पे बैग डब्बा भी आपको मिल रहा है, काफ़ी सब्सिडाइज रेट में ये आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे के लिए भी जो है, अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, कपड़े सुखाने में दिक्कत होती है, तो डायपर्स भी जो है काफ़ी सस्ते दाम में आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये योजना बेसिकली गरीब लोगों के लिए है, और मैं समझता हूँ कि ढाका मेरा अनुमंडल क्षेत्र जो है सही मायने में यहाँ के लोगों को इसकी ज़रूरत थी। यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है, ढाका नगर परिषद के जो भी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के माननीय विधायक जी है, ये है यहाँ पे उपस्थित, सिविल सर्जन साहब, ASP साहब, मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे मीडिया के मित्रगण है, कि ये योजना जो है गरीब लोगों के लिए है, और आप निश्चित इस योजना का लाभ जो है गरीबों के लिए, ढाका के क्षेत्र के लिए पहुँचाने का काम कीजिए। अलग अलग प्रोजेक्ट भी जिले में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट इज्जत चल रहा है, जीविका के माध्यम से भी जो है महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, तो इन लोगों के लिए भी, इन समुदाय के लिए भी जो है ये योजना काफ़ी कारगर होगी। मेरी तरफ से सभी लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद। के लिए जिन्हें दवा के अभाव में मौत हो जाती थी, उनके लिए एक वरदान चीज खुला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पहल है सरकार की बहुत सराहनीय है, हमारे इलाका के गरीब लोगों को इलाज कराने में, पैसा के अभाव में इलाज कराने में बहुत कठिनाइयां होती थी। आज हमारे इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक यहाँ दुकान खुला, कम रेट में दवा मिलेगी, गरीब अपना इलाज सही समय से सही वक्त पे करा लेंगे, पैसे के अभाव में उनको इलाज कराने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।